नमस्कार, कानपुर से बड़ी खबर। कानपुर महानगर में आज सरसोइया घाट पर राकेश मिश्रा व उनके सहयोगियों ने घाट से उतरकर पानी में अर्धनग अवस्था में बच्चों की फीस को लेकर के किया धरना प्रदर्शन और कहा कि शिक्षा माफियाओं ने ऊपर के कपड़े तो फीस को लेकर उतरवा ही लिए हैं, अब शिक्षा माफिया चाहते हैं तो वो हमारे नीचे के भी कपड़े उतरवा लें, इसलिए आज हम शिक्षा माफियाओं का श्राद्ध मना रहे हैं। अभी का रोजगार चला गया, सरकार ने कहा था 2 करोड़ लोगों का रोजगार देगी परंतु 1.89 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। ऐसे में हम लोगों के पास अभी ऊपर के कपड़े बचे हुए थे, ऊपर नीचे के कपड़े थे। ऊपर के कपड़े तो जो है शिक्षा माफियाओं ने उतार लिए हैं, नीचे के कपड़े बचे हुए हैं। ये सरकार चाहे तो उतार ले या सरकार, अब हम लोग ये है कि इन शिक्षा माफियाओं का अभी आपके माध्यम से हम दिखाएंगे कि हमने इन शिक्षा माफियाओं का श्राद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मर चुके हैं। ऐसे लोगों का हमें कोई उपयोग नहीं, ऐसे लोगों से हमें क्या करनी है। हम सरकार से बार बार आग्रह करने के बाद सरकार हमारी बात नहीं सुनने। हमने बहुमत के आधार पर बहुत ही मेहनत पे सरकार का चयन किया था। अगला स्टेप क्या होगा सर आपका? हमारा प्रदर्शन मैं अभी किसी को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि सरकार हमारे अभिव्यक्ति की आजादी के तहत जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है वो सरकार हमें प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही है। हम रो रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। देख रहे हैं आज ऊपर वाला विलाप कर रहा है परंतु सरकार हम उनके साथ शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर के अट्टहास कर रही है। ऐसी सरकार को हमें नो स्कूल नो फीस।